सर्वगुणी महायोद्धा महादयालु शूरवीर सूबेदार आगरा अजमेर महानायक महाजी सिंधिया पधार रहे हैं। आदाब। नमस्कार। आपकी खिदमत में कुछ नाचीज तोहफे पेश करता हूं। राने खान जी, ये तोहफे सरकारी खजाने में जमा कर लिया जाए। जो हुक्म महाराज। ये मेरा बेटा है जाब्ता खान। आदाब। पिताजी बैठिए। बुरारी घाट से मथुरा तक कई सालों का फासला है। यकीन कीजिए महाज जी, मैं यहां तक आते आते बहुत बदल गया हूं। अब मैं सुकून से जीना और सुकून से मरना चाहता हूं। इसीलिए अपने दुश्मनों से दोस्ती कर रहा हूं, तभी आपको मेल मिलाप का पैगाम भेजा है। इस मेल मिलाप की परछाई मेरी प्रतिज्ञा पर नहीं पड़ेगी। मैं हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त करता हूं, अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाइए। दत्ता जी के कत्ल पर मैं बेहद शर्मिंदा हूं महाज जी। तहे दिल से अपनी खता की आपसे माफी मांग रहा हूं। अपने काका मल्हार राव होलकर का बेटा समझकर मुझको माफ कर दीजिए, उनकी रूह को खुशी होगी। वो होलकर काका की आत्मा हो या दत्ताजी सिंधिया की, उनको किस तरह से खुश किया जाए यह हम अच्छी तरह जानते हैं नजीब खान। नजीब खान साहब, अब जब आपने सच्चे दिल से माफी मांग ली है तो महाज जी सिंधिया इस पर ठंडे दिल से गौर करेंगे। अब्बा जान, आप यहां आने का अपना मकसद बयान करें। महाज जी साहब, कलम में वो बात नहीं होती है जो जबान में होती है। खत लिखने के बजाय अपना खुलूस और अपनी दोस्ती का यकीन दिलाने के लिए हम खुद चले आए। आज से हम मराठों के दुश्मनों को अपना दुश्मन और उनके दोस्तों को अपना दोस्त समझेंगे। मराठों के फायदे को अपना फायदा और उनके नुकसान को अपना नुकसान समझेंगे। मराठा लश्कर के कदम जिस तरफ उठेंगे, हमारे लश्कर का कदम भी उधर ही होगा। पुणे से कलकत्ते तक, इलाहाबाद से दिल्ली तक। श्रीमंत पेशवा माधव राव का जब भी आदेश आएगा कि आपकी सहायता ली जाए, हम आपको सूचना भेज देंगे। बीमार हूं, थक गया हूं। आपकी इजाजत से अपने खेमे में आराम करना चाहूंगा।
बाकी बातें मेरी तरफ से तो कुछ ही होलकर आपसे कर लेंगे। अब कहने को बाकी क्या रह गया है? नजीब कहां चाहते हैं कि वह अपने बेटे जब्ता खां को यहां जमानत के तौर पर छोड़ जाएं। वो क्यों? ताकि आप नजीब खां की नियत पे कोई शुभा ना करें, और अगर नजीब खां कोई वायदा खिलाफी करें तो आप जब्ता खां से उनका बदला ले सकते हैं, उन्हें कत्ल भी कर सकते हैं। हमें नजीब खां की तरफ से कोई जमानत नहीं चाहिए। आप समझे कि इसमें नजीब खां की क्या चाल है? जब शाह आलम को पता चलेगा कि उनके दुश्मन नजीब खां का बेटा हमारे पड़ाव में है तो वो हमसे बदगुमान हो जाए। लेकिन जब शाह आलम को इलाहाबाद किले से निकालने के लिए नजीब खां का लश्कर भी हमारे साथ चलेगा तो शाह आलम की गलतफहमी दूर हो जाएगी। जब्ता खां को आप अपने पड़ाव में अपनी सुरक्षा सेना की निगरानी में रखिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे तो कुछ